इस वीडियो में देखेंगे कि हॉफमैन कोडिंग एंड हॉफमैन ट्री कैसे जनरेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में ऐसे ए बी सी डी का वैल्यू गिवन रहेगा, तो हमें जो करना है सबसे पहले इस ए बी सी डी इस नंबर को उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर से सजाना है। ठीक है, देन करना है। तो पहले ऐसे वैल्यू मिलेगा, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है। ओके ओके, तो देखते हैं कि सबसे जिसका वैल्यू बड़ा है वो टॉप में जाएगा, तो ई ई ओके। देन लार्जेस्ट वैल्यू आई थिंक ए, ओके। देन जो लार्जेस्ट वैल्यू है सी, देन जो लार्जेस्ट वैल्यू डी, देन बी, देन एफ। ओके, तो स्टेप नंबर वन तो हमारा हो गया। ठीक है, ये स्टेप नंबर वन। ओके, तो स्टेप नंबर वन में हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे, जो स्टेप नंबर टू होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो सबसे लोएस्ट जो वैल्यू है उसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे कि ए, दोनों ऐड करके क्या होता है, जीरो पॉइंट वन फोर। तो नेक्स्ट लाइन में जाएगा सर, अभी तक सबसे बड़ा क्या है, ई, तो ई। ओके, देन ए, देन आई होप सी, क्योंकि सी 0. देन डी, देन ए वैल्यू। ओके, तो बी एंड एफ को ऐड करके 0.14 मिला। ओके, ए 0.14 सबसे छोटा है अभी तक। ठीक है, तो नेक्स्ट जो लोएस्ट वैल्यू मिलेगा उसे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, ओके, तो इसको ऐड करने से क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर जो बी एंड एफ लोएस्ट वैल्यू था, तो हम बी एंड एफ को ऐड कर दिया। यहाँ पर डी एंड ए बी प्लस एफ, तो इसको हम ऐड कर देंगे कि कितना हुआ, 0.29। ओके, तो देखा जाए तो इस वैल्यू अभी तक सबसे बड़ा है, तो ये टॉप में जाएगा नेक्स्ट लाइन। ठीक है, ओके, देन ई रहेगा, देन ए रहेगा, ओके, देन क्या रहेगा, सी, ओके। रूल्स सेम है, तो जो दो वैल्यू सबसे नीचे रहेगा उसको हम ऐड कर देंगे। ओके
नेक्स्ट ए वैल्यू सबसे बड़ा है तो ए सबसे टॉप जाए, टॉप चला जाएगा। देन ए वैल्यू, देन ई। ओके यहाँ पर भी ए दोनों सबसे नीचे हैं तो ए ऐड हो जाएगा, इसका समेशन आ जाएगा, क्या होगा 0.55। ओके तो आपका रहेगा ए सबसे बड़ा है, अब ए दोनों को समेशन होगा 1 आएगा। ओके तो हॉफमैन कोडिंग में जो वैल्यू मिलेगा पहले ए बी सी डी जो भी मिले उसका समेशन एटलीस्ट लास्ट में 1 आना चाहिए। ओके अगर 1 आ गया तो आप ठीक कर रहे हो। ओके ठीक है, ए स्टेप 1 लेके यहाँ से स्टेप 2 होता है, ठीक है। ओके स्टेप 1 स्टेप 2 में दे रहा हूँ क्योंकि इससे आपको समझने में आसान हो जाएगा। ओके अब देखिए जो जो पार्ट, जैसे जो स्मॉल होगा उसे हम 0 से डिनोट करेंगे। ओके और जो ग्रेटर होगा उसे हम 1 से डिनोट करेंगे। ओके तो पहले यहाँ से देखते हैं। ओके 0 ए सबसे छोटा है तो 0 ए सॉरी ए 1। ओके यहाँ पर ए छोटा है 0, यहाँ पर ए बड़ा है 1। ओके यहाँ पर सी छोटा है 0 ए 1, यहाँ पर ई छोटा है 0 1, क्योंकि जो वैल्यू सबसे छोटा है उसको हम 0 देंगे और जो वैल्यू लार्जेस्ट है उसको और लार्ज है उसको 1 देंगे। ओके यहाँ पर 0.45 इज 0 एंड 0.55 इज 1। ओके यहाँ पर ए हमने तो उसका 0 1 से भी सजा लिया वैल्यू, ठीक है। अब हमें जो करना है इससे हम एक ट्री जनरेट करना है, उसके बाद उसका कोड निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं कि ट्री जनरेट कैसे करते हैं। ओके एक ट्री करना होगा, सबसे पहले हमें लास्ट में आया था क्या 1, तो हमें 1 लेना होगा, ठीक है। 1 से ट्री में 2 दिख जाएगा, 1 से क्या कहा गया 0 फॉर सबसे छोटा, 0 फॉर 0.45 एंड 1 फॉर 55। तो इस साइड लेफ्ट साइड छोटा होता है या पर स्मॉल लेफ्ट साइड, गेटर राइट साइड। ओके 0.45 0.55। ओके अब देखना है 0.45 कहाँ से आया एंड 0.55 कहाँ से आया। सो पहले 0.55 आया 0.26 एंड 0.29। ओके सो 0.26 लेफ्ट राइट, 0.26 0.29। ओके अब देखना है इसके ए पहले आया उसके बाद ए देन ए, मतलब ए सबसे लास्ट आया उसके बाद ए देन ए, तो 0.45 कैसे आया 0.2025। तो ए भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा क्योंकि बाइनरी है, तो 0.20 इधर लेफ्ट में एंड राइट में
0.25, ओके। देन इसके बाद आया ए, 0.29। 0.29 कहा कैसे होगा, 0.29, 0.14 एंड 0.15। सो ए होगा 0.14 एंड ए होगा 0.15। देन इसके पहले आया ए, तो 0.14 दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक 0.04, एक 0.10, ओके। जीरो पॉइंट जीरो फोर 0.10, ओके ओके। अब जो लेफ्ट साइड स्मॉल, ठीक है, तो इसे हम जीरो से डिनोट करेंगे जो पहले किया है, ठीक है, ये भी एक तरीका है सिंपल सा, ठीक है। एंड राइट साइड वन, तो यहाँ पर 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, ओके। तो अगर आप वैल्यू देखें तो ए 0.25 एंड एफ 0.04, तो वैल्यू से इसका देखे तो ये होगा, आप प्लीज नोट कर लीजिए तो आपको भी हेल्प हो जाएगा, ए एफ ए बी, और 0.15 आई होप डी। उसके बाद आता है 0.20, 0.20 मतलब सी, एंड 0.25, 25 मतलब ए, 0.26 मतलब ई, ओके। तो ऑल लीफ नोड को हम डिनोट कर दिया जो जो हमको वैल्यू मिला था, ओके। उसके बाद एक ए हो गया हॉफमैन ट्री, ओके। तो हॉफमैन ट्री तो हो गया आपको, ओके। आप जो करना है इस वैल्यू से हॉफमैन कोड जनरेट करना है, हॉफमैन कोड अब जनरेट करना है, ठीक है। तो ये हम कैसे करेंगे, ओके, वो भी देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो आता है ए, ए एक आवर है, ए यहाँ पर है, तो जाएंगे ऐसे 0, देन पहले लेफ्ट देन राइट, तो 0 1, 0 1, देन बी, बी का ऊपर है यहाँ पर, तो राइट 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 लेफ्ट राइट, मतलब 1 1, 0 1, 1 1, 0 1। हम जैसे ट्री में मूव करेंगे एक नोड से और एक नोड, वैसे उसका हुआ, ठीक है। देन सी, सी का अपर है यहाँ पर, सो 1 से लेफ्ट, लेफ्ट से लेफ्ट, ओके, मतलब 0 0। देन डी, डी का अपर है यहाँ पर, तो राइट मतलब 1, देन अगेन राइट, देन अगेन राइट, सो 1 1 1। देन ई, ई है यहाँ पर, ई पहले राइट मतलब 1, देन लेफ्ट मतलब 1 0। देन एफ, सॉरी एफ होगा, एफ का पर है यहाँ पर, तो पहले राइट राइट मतलब 1 1, देन लेफ्ट, देन लेफ्ट, सो 1 1 0 0, ओके ओके। तो ऐसे हम, तो ऐसे हम हॉफमैन कोडिंग एंड ओजेनेटिंग ट्री करते हैं, ठीक है। तो हॉफमैन ट्री पहले आपको वैल्यू रहेगा उसको ऐसे तरीके से करना होगा, इसको करने के बाद आपको एक ट्री जेनरेट करना होगा, ठीक है। याद रखना है लेफ्ट साइड छोटा होगा उसको हम 0 से डिनोट करेंगे, एंड राइट साइड बड़ा होगा उसको हम 1 से डिनोट करेंगे। आफ्टर ट्री जेनरेटिंग यू हैव टू
ड्रॉ दिस, ठीक है। सो आपको वैल्यू निकालना होगा आफ्टर ट्री जनरेट करने के बाद, ओके। तो ट्री जनरेट करने के बाद ए बी सी आपका जो वैल्यू सब कुछ निकलना होगा। तो कैसे, जैसे कि ए पाथ गया, सपोज ए के लिए ये जो पाथ आपको मूव करेगा नोड, वो नोड कलेक्ट करना है, ठीक है आपको। तो जीरो लेफ्ट मतलब जीरो देन वन ए, ओके। सपोज बी तो राइट देन अगेन राइट देन लेफ्ट देन राइट, सो वन वन जीरो वन, ओके। लेफ्ट मतलब जीरो, राइट मतलब वन, ओके ओके। थैंक यू।